बिंदु बोलते हैं इसको। तो अब इसको देखो बेटा, बिंदु
होता है, हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। हमारे दोनों ही जो शब्द है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो बेटा हमारे पास चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार या अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक बोलते हैं। देखो बिंदु तो हमारे पास ये होती है, ठीक है, और चंद्रबिंदु ये होती है। इसमें देखो चंद्रबिंदु जो शब्द होते हैं उनको हम नाक और गले से आवाज निकलती है। जब से चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको हम किससे बोलेंगे, नाक और गले से वो शब्द निकलते हैं। लेकिन बेटा जो बिंदु होता है, जो बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो सिर्फ केवल नाक से ही बोले जाते हैं। जैसे हंस, हंस और ये हस, हस, तो इसमें नाक और गले से दोनों से आवाज आ रही है, और हंस, हंस, तो इसमें नाक से आवाज आ रही है। अब बेटा इसमें आता है हमारे पास है नुक्ता। नुक्ता क्या होता है बेटा, जो हम वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे जो हम बिंदु लगाते हैं, जो हम डॉट लगाते हैं, उसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। नुक्ता चिन्ह, बिंदु तो बेटा ऊपर लगाई जाती है, शब्दों के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन जो नुक्ता, जो नुक्ता जो चिन्ह है उसको नीचे लगाते हैं, वर्ण के नीचे लगाए जाते हैं। अब देखो बेटा अरबी और फारसी भाषा से लिए गए शब्द, ये कैसे शब्द, नुक्ता क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। नुक्ता जो चिन्ह है ये विदेशी से लिया गया, कैसे, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए शब्द है जो हमारे हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं, ठीक है। वैसे देखो हमारी हिंदी भाषा का शब्द खाना हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अरबी और फारसी भाषा में खाने के लिए हम किसका चिन्ह लगाया है, नुक्ता का चिन्ह लगाया है। राज, राज के नीचे देखो जय के नीचे हमें किसका चिन्ह लगाया है, नुक्ता का चिन्ह लगाया है। जो वर्ण के नीचे जो बिंदु, जो डॉट लगाई जाती है बेटा, उसे नुक्ता कहते हैं, ठीक है, नुक्ता चिन्ह होते हैं ये। तो आपकी ड्रॉइंग देखो बेटा एक बार, रेड के तीन रूप होते हैं, एक तो नीचे पैर में लगता है, एक ऊपर लगाया जाता है और एक फिर दोबारा नीचे लगाया जाता है। प्रकार में देखो बेटा जो रेड पूरा होता है और ये पैर का है आधा है, ठीक है, धर्म में ये रेड पूरा है, राष्ट्र में ये पूरा रेड है। अब बिंदु अनुस्वार और अर्ध अर्धचंद्राकार अनुनासिक, तो बिंदु में संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जिसका जो पहला वर्ण है वो आधा हो और उसके बाद का जो वर्ण हो वो पूरा हो, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर जो आता है उसे देखो, इसमें लिख रखा है गंगा, गैस इसमें आता है, कैच गै गै कै है गै है खड़े, तो किसमें आ रहा है, ये में आ रहा है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह भी लिख सकते हैं। चंद्रबिंदु में जो शब्द होते हैं वो नाक और गले से निकलते हैं, लेकिन बिंदु में केवल नाक से ही वो शब्द बोले जाते हैं। और नुक्ता क्या होते हैं बेटा, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा के क्या बन गए, अंग बन गए हैं। बिंदु है बेटा वो शब्द के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन जो नुक्ता जो चिन्ह है वो वर्ण के नीचे लगाई जाती है उस बिंदु को, ठीक है बेटा। ये हमारा जो टॉपिक है बेटा कंप्लीट हो गया है, नवमी की कक्षा।